Issues in researching media. The mass medium for the transmission of message have come across too much development and innovation. Uh, with the passage of time, definitely there is a development in every field of life, like as in the case of media, that with the advancement in modern technology and with the invention of the modern means of communication. The issues in researching media is also getting much more importance. Like uh, such innovations include the innovation in the field of newspapers that firstly newspapers were only uh, available in the hard copy. Now you can and we can read those newspapers online. Then the televisions, televisions are also getting

दिस इज़ द स्पेसिफ़िक इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न डे क्योंकि आप अपनी कोई भी बात कोई पर्सनल बात कोई इंफॉर्मेशन जिसके साथ भी दुनिया में मर्जी शेयर करना चाहते हैं आप कोई अपनी फंक्शंस की बात करना चाहते हैं दुनिया में कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कहीं कोई रिसर्च हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू आप फौरी तौर पर इमिजिएटली लोगों को एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिकली डूरिंग देंडेमिक कोविड नाइन्टीन जितनी वर्चुअल लर्निंग हुई है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इट इज़ क्वाइट अमेजिंग सो वी कैन से दैट इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया एंड अगेन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया द इश्यूज इन रिसर्चिंग मीडिया दे आर गेटिंग मच मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज वेन वी से दैट द वर्ल्ड इज अंडर चेंज

क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी रिसोर्स की चैनल्स की मीडिया इंस्ट्रूमेंट्स की उनकी ऑब्जेक्टिविटी को ढूँढना और ख़ास तौर पर उनके अंदर रिसर्च के साथ कंटेंट को प्रेजेंट करना दैट इज़ गेटिंग मच मोर इम्पॉर्टेंस क्योंकि वो लोग जो आजकल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं मीडिया से मेरी मुराद वो सारी वैरायटी है चाहे वो वीडियो के थ्रू है चाहे टीवी के थ्रू है चाहे सोशल मीडिया के थ्रू है चाहे वीडियो मेकिंग के थ्रू है फिल्म मेकिंग है इन सब के अंदर कंटेंट कौन सा प्रेजेंट हो रहा है और कौन कर रहा है क्या वो कंटेंट, क्या वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रही है या वो हैजर्डली जस्ट टू इन्वॉल्व इन द रेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि बस हमें हमारी तरफ़ से लोगों तक कुछ पहुँच जाए उसका स्टैंडर्ड क्या है उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है कंटेंट किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब इम्पॉर्टेंट नेचर के जो इश्यूज़ हैं इनको कौन टैकल कर रहा है और किस प्लेटफॉर्म से ये गाइडलाइंस ड्रा हो रही हैं दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग कि इसके लिए हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत कम ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो इन तमाम मामला के बारे में हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दे कि यहाँ पर यह पॉलिसी जो है वो बनाई गई या ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है फिर इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं दैट देर आर डाइवर्स टूल्स ऑफ मैस मीडिया एंड देर आर डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑन मैसेज दैट इज़ बिकमिंग मच मोर क्रिटिकल एंड बिकमिंग हार्डर फॉर द रिसर्चर्स टू फोकस ऑन अ सिंगल इशू एंड कैरी इट्स इन डेप्थ स्टडी ये असल बात है जहाँ फोकस ज़रूरी है पहले यह होता था कि अगर कोई एक प्रोग्राम है वो अपने थीम के अकॉर्डिंग उसके रिसर्चर प्लान करते थे रिसर्च करते थे और फिर वो थीम प्रजेंट किया जाता था लेकिन अब इस कॉम्पटिशन के दौर में इस रैंकिंग के टाइम पीरियड में मीडिया चैनल्स जो हैं मीडिया के जो प्रमोटर्स हैं वो रिसर्च बेस्ड प्रेजेंटेशंस की बजाय ज़्यादा उनका फोकस होता है मार्केटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना तो डेफिनेटली ये सब सिचुएशन जो है वो ये चैलेंज बन रही है इश्यूज क्रिएट कर रही है फॉर द फील्ड ऑफ रिसर्चर्स इन मीडिया